महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले की सतना तालुका में स्थित है श्री दिगंबर जैन देवस्थान सिद्ध क्षेत्र मांगीतुंगे जी, जो भगवान श्री राम, हनुमान, नल, नील सहित 99 करोड़ तपस्वियों की मोक्ष स्थली के रूप में विश्व भर में प्रसिद्ध है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण वातावरण में स्थित इस युगल शिखर वाले सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है बलदेव जी सहित तीर्थंकर भगवंतों एवं अरिहंतों मुनिवरों की हजारों प्राचीन प्रतिमाएं, जिनके दर्शन मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि मांगीतुंगे तीर्थ की निरंतर दो यात्राएं करने से श्री सम्मित शिखर जी की एक यात्रा के समान पुण्य प्राप्त होता है और जो भी श्रद्धालु पांच पूर्णिमा के संकल्प के साथ मूल नायक विश्वहितंकर चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की अतिशयकारी एवं मनोज्ञ प्रतिमा का दर्शन अभिषेक करता है, उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। पर्वत के तलहटी में स्थित श्री मुनि सुब्रतनाथ जैन मंदिर में विराजमान है शनि ग्रह अरिष्ट निवारक भगवान मुनि सुब्रतनाथ जी की 20 फीट उत्तुंग श्याम वर्णीय खड़गासन मुद्रा वाली प्रतिमा, जिसका प्रत्येक शनि अमावस्या के दिन महामस्तकाभिषेक किया जाता है। आप भी यहां आकर भगवान मुनि सुब्रतनाथ जी की इस अतिशयकारी प्रतिमा के दर्शन के साथ साथ तीर्थ के मूल नायक चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिदिन होने वाली शांति धारा में सहभागी बन महापुण्य का अर्जन कर सकती है। दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए तीर्थ पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एक भव्य धर्मशाला बनी हुई है, जिसकी एडवांस बुकिंग के लिए www.mangitungi.org पर लॉगिन करें। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री प्रभु सगति महाराज नाम से परम पूज्य विद्यमान का श्रद्धामती माता जी भगवती माता जी मोक्ष माता जी समस्त गण महाराज जी शारदा बेन सुनीता बेन नाम से सर्व चतुर्विध संगस्य यजमानस्य हिमांशु बेन नाम से अलका बेन जेमिनी किंजल विकास कुमार सर्व गौरव निवासी सर्व परिवार श्री अशोक भाई रसपारे सौभाग्य सरोज बेन ऋषिका अराजिका आर्य सर्व मुंबई निवासी बिलेपाड़ा निवासी सर्व होमर परिवार श्री संतोष भाई आशा देवी विकास भाई शेलू अंशुल श्वेता कायना नित्या सर्व गोदावत परिवार से शांतिलाल जी गीता देवी जगड़ावत परिवार सर्व परिवार से उपस्थित सर्वजन समुदाय से सर्व क्षेत्र स्थान यात्रिना दर्शन कृतना प्रकृतना सकल दिगंबर समाज से मांगीतुंगे ट्रस्ट कमिटीगण से राष्ट्रीय प्रबल पुरुषांति संघ सर्व ट्रस्ट कमिटीगण से सर्व मांगीतुंगे कर्मचारीगण से सर्व मांगीतुंगे निवासी से श्री बाबूलाल जी पाटकी नाम से सर्व परिवार से डॉक्टर सुरेंद्र जी सर्व परिवार मम्मच सर्व परिवार शांति तुष्टि पुष्टि गुरु नमः। देखिए प्रभु पार्श्वनाथ का दरबार मांगीतुंगे सिद्ध से दक्षिण का सम्मय शिखर है, जहां से 99 करोड़ मुनियाद यहां से मोक्ष गए। यह भगवान राम हनुमान सुग्रीव सुडील गए कबाक
इत्यादि 99 करोड़ मुनि आदि भूमि से मोक्ष गए। ऐसे भूमि पर आचार्य श्री प्रबल सागर जी महाराज जिनका प्रथम चौमासा 2016 में हुआ था, अभी दूसरा चतुर्मास स्थापना 2023 में 9 जुलाई को होगी और दोपहर में यह प्रोग्राम है। अधिक से अधिक भक्तगण आए और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। भगवान पार्श्वनाथ जी के अभिषेक में भी सम्मिलित हो गए और अपनी तरफ से शक्ति धारण कराए। कल जो जो भक्तजन आएंगे उन सबके भोजन की व्यवस्था प्रबल मंच की ओर से की गई है। सुबह का भी और शाम के भोजन की व्यवस्था भी की गई। आचार्य श्री प्रबल सागर जी का मांगी तुंगी की सिद्ध क्षेत्र में चातुर्मास हो रहा है, ये बड़ा आनंद का विषय है। और प्रबल सागर जी महाराज जी के सानिध्य में पूर्ण भी क्षेत्र का जो सीढ़ियां बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गई थी, गुरुदेव ने हजारों भक्तों को प्रेरणा देकर उन सीढ़ियों का जीर्णोद्धार कराया और मांगी से तुंगी तक ब्लॉक लगने का कार्य चल रहा है। एक दो दिन में वह कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। यह गुरुदेव का जो है अपने आप में एक महानता है। जय बोलिए मांगी तुंगी सिद्ध से। यह मानव जीवन कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। पूर्व में जो फल पुण्य किया था उसका फल तो अभी मिलेगा, पर जो अभी करेगा तो आगे मिलेगा, नहीं तो यहाँ भी नहीं वहाँ भी नहीं। ऐसे यहाँ भी नहीं किया आगे भी नहीं मिलेगा, इसलिए अपने को पुण्य कर्म बनना है। पुण्य कर्म हमने पुण्य किया था पूर्व में, पुण्य कर्म हमारा छोड़ता नहीं है। कर्म जो है तो ये कर्म दुखी क्यों होते हम लोग का, क्यों हम काला बाजार करते हैं, हम पाप करते हैं और ये सब करते हैं, जीवों की हिंसा करते हैं। इसलिए अपने को पूर्व में पुण्य किया हम सुखी हैं, पर जो अभी हम ये कर रहे पाप कर्म आगे भोगना ही करना करेगा, इसलिए भोगे अगर छुटकारा नहीं है। मनुष्य प्राप्त करके हम मानवता को प्राप्त नहीं किया तो कुछ भी फायदा नहीं है। इसलिए हमने जितना हमारे दान पुण्य करना है इतने मनुष्य भव्य हम कहाँ कर सकते हैं, तो हमारे पहाड़ के ऊपर भी जीर्णोद्धार के लिए भी काम चालू है और सीढ़ियों का काम चालू है, उसके लिए अपने को योग दान करना जरूरी है। हम श्रावक नहीं करेगा कौन दान पुण्य करेगा, इसलिए हमको दान हमारे श्रावक के मुख्य कर्तव्य है। जय पूजा गुरुपासी स्वाध्याय संयम तब दान चेती ग्रस्ताणी दिने दिने, हम दान करना जरूरी है। हम गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य अमावस्या क्रिया करने का, हम अमावस्या क्रिया नहीं करेगा तो हम क्या कहाँ छूट जाएगा, छूटेगा नहीं। ये जो पुण्य किया हुआ है यही साथ मेरा अभी करेगा तो आएगा, नहीं तो दुखी होने वाला है। यही हमारा सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।